अगली खबर में बात करते हैं पशु तस्करी को लेकर। पनवार पुलिस ने पशुओं से भरा ट्रक का कई किलोमीटर पीछा कर बरौली गांव के पास पकड़ा है। बताया जाता है कि रामबाग चौराहे पे खड़ी कार में टक्कर मार कर चालक वाहन सहित भाग निकला था। दरअसल पनवार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मैलोखर गांव में पशुओं को ट्रक में लाद कर यूपी ले जाने की तैयारी हो रही है, जिस पनवार पुलिस ने थाने में बैरिकेडिंग कर ट्रक को रोकने का प्रयास किया पर सफल नहीं हुआ। इसके बाद पशुओं से भरे ट्रक ने रामबाग चौराहे पर खड़ी कार को जोरदार टक्कर मारी और आगे निकल गया। वहीं पशुओं से भरा ट्रक किरहाई के रास्ते निकला, जहां बरौली में ट्रक चालक ने नाली में ट्रक को फंसा कर भागने में सफल रहा। वहीं मौके पर जवाब पुलिस भी पहुंची तथा साथ में भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश उर्मलिया, विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार द्विवेदी, संघ के तरुण पांडे मौके पर पहुंचकर थाना प्रभारी पनवार महेंद्र सिंह से पशु तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कहा। ट्रक में पशुओं की संख्या का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। वहीं आरक्षक के शर्मा, आरक्षक शंभू बिंद, आरक्षक राकेश वर्मा की इस कार्य में सराहनीय भूमिका रही। साथ में कई ग्रामीण जनों का अच्छा सहयोग रहा। वहीं पशुओं से भरे ट्रक को बरौली से पनवार लाया जा रहा है। बहुत आगे कहा बैठा हो चुप अंधिया बैठा तो हो गाय लेती है शुद्ध गाय लेती लगा तो जानवर अरे वही गरीबा आए तो पहले वही पहले से रास्ता देख ली ना खोर देख ली भाग आई कहाँ है वही से पहले निकल ली निकल निकल कई गाड़ी छोड़ वो निकल हाँ धीरे धीरे तेज से आप तो सीधे जा तेज निकल कर निकल अब जाने से भाग आई। अरे भैया काले का पकड़े में मान ली सगला गति हो गए, हमार गाड़ी चाबी हो रहा है कि पैदल गए पर है। जहाँ भाई जहाँ भाग हो गई हो जहाँ भाग हो जाए।